बॉलीवुड से आ रही है बेहद दुख की खबर, आदित्य चोपड़ा की मां का हुआ निधन। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूं रजनी। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से बेहद ही दुख भरी खबर आ रही है। जी हां, आदित्य चोपड़ा की मां और यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा की 85 वर्ष में निधन हो गया। इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में मानो शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें, पामेला चोपड़ा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पामेला एक फीमेल सिंगर थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अपना संगीत दिया है। मां की मौत की खबर से आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा पूरी तरह टूट गए हैं। तो वहीं रानी मुखर्जी का भी रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि पामेला ने 1976 में आई फिल्म कभी कभी, साल 2002 में आई फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे, तो वहीं 1997 में आई सुपरहिट फिल्म दिल तो है पागल के लिए भी गाने गाए हैं। खबरों की माने तो पामेला पिछले काफी समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। 85 साल की पामेला 15 दिन से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार पामेला ने अपना दम तोड़ दिया। बता दें कि पामेला चोपड़ा ने YRF की कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। इसके अलावा वो लेखक और ड्रेस डिजाइनर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। बता दें कि यश चोपड़ा और पामेला की शादी साल 1970 में हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। शादी के 40 साल बाद एक इंटरव्यू में पामेला और यश चोपड़ा ने कहा था कि हमारी शादी बेहद ही खूबसूरत रही है। यश चोपड़ा और पामेला के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य चोपड़ा है, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। तो वहीं छोटे बेटे का नाम उदय चोपड़ा है। उदय एक एक्टर है और फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं। बता दें, पामेला चोपड़ा के निधन के बाद पूरा बॉलीवुड दुख में है और सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वेल, आपको भी इस पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।